Welcome dear friends, in this video we will discuss daily current affairs in of 1st June 2023. So let's start. Question is, which countries brokered the ceasefire attacks that the Sudanese army forces pulled out of before blasting paramilitary bases with artillery in Khartoum on May 31, 2023? अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते दो ममालिक ने यह क्लेम किया था कि इन्होंने सूडान के आर्मी और सूडान के पैरामिट्री फोर्स आर एस एफ के दरमियान सीज फायर ब्रोकर किया है लेकिन इकतीस मई दो हज़ार तेईस को सूडान के आर्मी ने इस सीज़ फायर से पुल आउट किया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेसिस को टारगेट किया है ये किन दो ममालिक ब्रोकर किया था द्रिक्टरज यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरबिया सूडान के आर्मी को इस वक्त लीड करता है बुरहान अल-फातेह को जबकि इनके आर एस एफ या पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करता है हेमत्ति और ये जो सूडान में क्लेशज़ या जो भी क्राइसिस चल रहा है इस वक्त इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये असल में बुरहान और हेमत्ति के दरमियान पावर स्ट्रगल चल रही है नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ आर्डर द क्लोजर ऑफ फोर आउट ऑफ रशिया फाइव कौंसलेट्स विद इन इट्स बार्डर रिसेंटली किस मुल्क ने रशिया को ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने पांच कौंसलेट्स में से चार कौंसलेट्स इस मुल्क में क्लोज करके वापस करें द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज जर्मनी और जर्मनी का ये डिसीजन असल में रशिया के डिसीजन के रिस्पांस में आया है क्योंकि रशिया ने इनके डिप्लोमेट्स पे और जो बाकी ऑफिशल हैं इन पे पाबंदी लगाई है और इन पे एक लिमिट लगाया है कि रशिया में जर्मनी के 350 से ज़्यादा आफिशियस नहीं हो सकते है और 350 से जितने भी ज़्यादा आफिशर्स हैं वो जर्मनी वापस चले जाए तो जर्मनी ने इसके रिस्पांस में इसके जो पांच कौंसलर्ट्स हैं जर्मनी में इसमें से चार को बंद करने का हुक्म दिया है नेक्स्ट इज हु हेल्ड सेक्रेट टास्क विद द सुप्रीम लीडर ऑफ द तालिबान ऑन ट्वेल्व मई ट्वेंटी रिगार्डिंग रिजॉल्विंग टेंशन विद द इंटरनेशनल कम्यूनिटी बारह मई 2023 को किस शख्सियत ने तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्ला के साथ सिक्रेट टास्क हेल्ड किए हैं और इन टास्क का मतलब ये था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तालिबान के टेंशन चल रहे हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाए द करेक्ट ऑप्शन ईयर कतरी प्राइम मिनिस्टर कतरी प्राइम मिनिस्टर बारह मई को अफगानिस्तान के सूबे कंदहार आए थे उस वक्त ये बात सरफेस नहीं हुई थी कि इसकी मुलाकात किसके साथ हुई है लेकिन अभी वेस्टर्न मीडिया कल से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं कि असल में कतरी प्राइम मिनिस्टर के विजिट का मकसद शेख अब्ला के साथ मुलाकात थी आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान का कैपिटल वैसे तो काबल है लेकिन जो सुप्रीम लीडर है एक का वो कंदहार में बैठता है और कंदहार इज़ एक्चुअली द प्लेस फ्राम वीर तालि ड्राज दियर नेक्स्ट इज़ विच सिटी इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन ड्यू टू द वेट ऑफ मोर देन वन मिलियन बिल्डिंग्स एडिंग अपू अ टोटल मास ऑफ सेवन सिक्सटी टू बिलियन किलोग्राम्स ऑफ डाउनवर्ड प्रेसर आन दर्थ रिस एक सिटी के बारे में एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सिटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है और इसकी वजह यह है कि इस सिटी पर तकरीबन एक मिलियन से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिसमें अक्सर जो है वो स्काई स्क्रैपर्स है और इस बिल्डिंग्स का जब टोटल वेट सम किया जाता है तो ये सत्तौ बासठ अरब किलोग्राम्स के बराबर हो जाता है और इसका इतना प्रेशर है इसके ज़मीन पे कि इसकी जो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है तो ये सिटी कौन सी है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ बिग एप्पल और आपको पता होना चाहिए कि बिग एप्पल नेक नेम है अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क का तो ये न्यूयॉर्क के बारे में ये बात हो रही है कि न्यूयॉर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है नेक्स्ट इज़ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ड्रॉन फ्राम थर्टी एट नेशन कम्बाइंड मेरी टाइम फोर्स रिस्पांसिबल फॉर सिक्योरिंग वाइटल गल्फ वाटरवेज़ फॉर ग्लोबल आयल ट्रेड कम्बाइंड मेरी टाइम फोरस बेसिकली थर्टी एट नेशन का एक ग्रुप है जो कि यू एस लीड करता है और इस ग्रुप का मकसद ये है कि गल्फ वाटरवेज में जो इंटरनेशनल आयल ट्रेड होता है तो इस इसको सिक्योर करे रिसेंटली एक मुल्क ने ऐलान किया है कि इन्होंने इस कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स से विड्रा किया है ये कौन सी कंट्री है द करेक्ट ऑप्शन शनियर इज यूनाइटेड अरब इमेरेट्स नेक्स्ट इज वन विल दशंगला डायलाग अ गैदरिंग ऑफ टॉप डिफेंस अफिशल्स सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स डिप्लोमेट्स वेपन मेकर्स एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट फ्राम अराउंड द ग्लोब टेक प्लेस इन सिंगापुर शंगरेला डायग बेसिकली एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है ये हर साल सिंगापुर के में एक होटल है शंगरेला के नाम से वहाँ पे कंडक्ट होती है इसी वजह से इसको शंगरेला डायलाग कहा जाता है ये दुनिया भर के मुख्तफ़ ममालिक टॉप डिफेंस अफिशर्स जिस तरह के डिफेंस सेक्रेटरीज हो गए या डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए वो आते हैं सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं डिप्लोमेट्स होते हैं इसमें वेपन मेकर्स होते हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी एनालिस्ट भी होते हैं जो कि इसमें शिरकत करते हैं तो इस साल ये किस तारीख को शंगरेला डायलॉग जो है वो कंडक्ट होगा द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ जून टू टू जून फोर और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली दफ़ा शंगरेला डायलॉग जो है वो कंडक्ट हुआ था 2002 में और 2002 से लेकर अभी तक हर साल शंगरेला डायलॉग जो है वो सिंगापुर के होटल शंगरेला में कंडक्ट होता है नेक्स्ट इज़ विच बिल्डेड द नेशनल असम्बली पास ऑन मई 31, 2023 ट्वेंटी बैनिंग द्ट्टबलिशमेंट ऑफ प्राइवेट कमेटीज़ एंड अनाउंसमेंट ऑफ द स्टेटस न्यू मून एड ऑफ दफिशल डिकलेन इकतीस मई दो हज़ार तेईस को पाकिस्तान के नेशनल इसम्बली ने किस नाम से एक बिल पास किया है जिसका मकसद ये है कि जो प्राइवेट कमेटीज़ बनती है नए मून को इस्पेली ईदालफितर पर या ईद पर ऐलान करने के लिए तो वो इस कमिटीज को बैन करे और इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती स्पेशली न्यू मून के लिए द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज द पाकिस्तान रोयत हिलाल बिल 2022 नेक्स्ट इज बाय व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान सर्च ड्यूरिंग द फर्स्ट 21 सेंस द तालिबान सीज्ड पावर इन अफ़गानिस्तान कंपेयर टू द करस्पांडिंग पीरियड बिफोर दियर टेक ओवर रिसेंटली पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कंफ्लिक्स स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कंपैरिजन किया है तालिबान के अभी तक जो 21 महीने हुए हैं इकतदार में इस टाइम का पिछले टाइम के साथ इससे पहले जो 21 वन मंथ्स थे और इन्होंने इन्होंने कम्पेरिज़न किया है कि जो टेररिस्ट अटैक्स है इसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है तो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ 73 परसेंट इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स है तो इस पीरियड में अगर पिछले पीरियड के साथ कंपेयर करें तो 73 परसेंट टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है और इसके अलावा इन्होंने जो और कंपेरिज़न की है तो जो टोटल डेथ्स है इस पीरियड में वो कंसिडरबली इंक्रीज़ हुए हैं और तकरीबन 138 थर्टी एट परसेंट इंक्रीज़ डेथ टोल्स में भी आया है साथ में नेक्स्ट इज़ वट एलिगेशन डेट द पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ पी टी आई चेयरमैन मेक अगेंस्ट फाइव डॉक्टर्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पुलिस हॉस्पिटल इकतीस मई दो हजार तेईस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेम्स और पुलिस क्लिनिक के पाँच डॉक्टर्स के खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं तो ये एलिगेशन कौन से है द कर इज प्रिपेयरिंग अ फेक मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान ने इनको एलेज किया है कि इन्होंने एक फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाया था उसका और इसी वजह से इनके पीछे इमरान खान ने दस अरब रुपये के हर का नोटिस भी भेजा है इसके अलावा अगर आपको याद हो तो पिछले दिन पाकिस्तान के वजीर सियात ने इस रिपोर्ट को बेस बना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इमरान खान ने उसके खिलाफ भी 10 अरब रुपए के हर जाने का नोटिस भेजा था और उससे अनकंडीशनल मुआफ़ी मांगने का भी कहा था आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फेक मेडिकल रिपोर्ट का इमरान खान कह रहे हैं कि तो इस रिपोर्ट में इमरान खान के जो मेंटल कंडीशन है इन पर सवालिया निशान किया गया था कि इमरान खान के मेंटल कंडीशनस ठीक नहीं है और दूसरी जो कंट्रोवर्शल बात थी उसमें ये भी थी कि इमरान खान के यूरिन को जब टेस्ट किया गया तो उसमें यह पाया गया कि इमरान खान कोकेन और हशीश का यूज़ करता है तो इसी वजह से इमरान खान ने पहले वजीर सियात के पीछे नोटिस भेजा और अब जिसने मेडिकल रिपोर्ट बनाया है उसके पीछे भी ये Notice Vajay. Here it is the end of this video. I will see you in the next video till that time. Stay blessed.